या तो रखे सारा अभिमान। से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आशा वर्कर्स ने भी अनदेखी का आरोप सरकार पर लगाया है। टाइम का कोई प्रावधान नहीं है, उनका कहना है सिर्फ तारीफ की जाती है, मिलता कुछ नहीं है, कैसे पेट पाले। घर से लड़ाई करके निकलते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ना मिले तो इसमें हमारा क्या दोष है। अभी तक जो पैसे बढ़ाए गए हैं वो भी नहीं मिले हैं। सरकार के बड़े बड़े दावों को खोखला करार देते हुए कहा, जो फोन आशा वर्कर को दिए गए हैं वो नहीं चलते हैं। अपने फोन में बच्चों की क्लासेस लगाए या सरकारी काम करे, कोरोना काल में सबसे अधिक काम करके भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आशा वर्कर्स यूनियन की स्टेट प्रेसिडेंट सत्या रांटा का कहना है कि हायर डिपार्टमेंट से कई बार बात कर चुके हैं, आज मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिख के भेज दी गई है। यदि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो हम पूरे हिमाचल में काम बंद करके भूख हड़ताल पर बैठेंगे और आत्मदाह करने में भी संकोच नहीं करेंगे। आशा वर्कर स्टेट प्रेसिडेंट, क्या मांग है जिसको लेकर आप यहाँ पर आए हैं? सर, हमारी मांग है कि गवर्नमेंट हमारे लिए स्थायी पॉलिसी बनाए, हमारा ड्यूटी टाइम जो है उसको फिक्स करे, साथ में जो हमारा मिनिमम वेज है वो फिक्स करे, क्योंकि हमें सिर्फ 2000 रुपए मिलता है। 750 रुपए की घोषणा तो की है बट अभी तक हमें नहीं मिला है। मार्च में 6 मार्च को घोषणा हुई थी, उसके बाद भी दो बार सीएम साहब ने फिर से घोषणा कर दी है पर अभी तक हमें नहीं मिला है। हमें 2000 रुपए मिलता है और सेंटर का 1500-1600 रुपए इंसेंटिव मिलता है पर उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है सर। 3500-4000 से किसी का भी घर नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी अकेली है, घर में विडो है, उनके पास उनको बच्चे भी संभालने, अपना परिवार भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, पर इतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मिनिमम वेज दे। एक दिहाड़ीदार जो इंसान होता है उसको भी 400-500 रुपए दिन की दिहाड़ी मिलती है, हमें तो दिन की 60 रुपए दिहाड़ी मिलती है सर। 60 रुपए से हम क्या करेंगे? खाना भी आजकल 70 रुपए का आता है, अगर कहीं हम खाना खाने नॉर्मल खाना खाने बैठेंगे वो भी तो 70 रुपए का मिलता है, पर सरकार ने हमें बिल्कुल ऐसे समझा हुआ है कि फ्री के नौकर है जिसको बोलते हैं, क्योंकि काम तो करवा रहे, जो भी इनका मन करता है वो काम करवाते हैं। कोई भी नेशनल प्रोग्राम आता है, कोई भी इनके पास प्रोग्राम आते हैं, सारे प्रोग्राम सबसे पहले आशा करेगी, वो चाहे कोविड का है, वो चाहे आपका कोविड वैक्सीनेशन सैंपलिंग है, उसके बाद हमारा जो डेली रूटीन के काम है जैसे गर्भवतियों को उनका चेकअप करना, बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाना, गर्भवती का इम्यूनाइजेशन करवाना, डॉट्स में काम करना, कैंसर पेशेंट का सर्वे करना, आपका कोई भी किसी को आंख में कोई प्रॉब्लम है उसका सर्वे करना, यानी कि जितने भी हमारे काम है सारे काम आशा वर्कर करती है, स्वीपर से लेकर डॉक्टर तक के काम आशा वर्कर करती है, पर उसके हिसाब से हमारे लिए कोई ढंग का मानते नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे तो शाम को हम 6-7 बजे ही घर पहुंचते, पूरा दिन हमारा इस काम में लग जाता है, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि हम मनरेगा में अगर काम करें तो मनरेगा में हमें इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, अगर मनरेगा में आप 13 दिन काम करते हो तो 2574 रुपए बनता है, हमारा तो पूरे महीने की सैलरी उतनी नहीं बनती है सर। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी जो मांगे है इसको पूरा करे, हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क करना पड़ता है। हम ग्रास रूट पे काम करती है, हरेक जो भी रिपोर्ट बनती है पहले हम लोग बना के देते तब आगे इन तक पहुंचती है। पहले आशा फील्ड से डाटा कलेक्ट करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी, फिर एएनएम को देगी, एएनएम अपने सुपरवाइजर को देगा, वहां तब उसके बाद बीएमओ और सीएमओ तक पहुंचती है। अगर आशा ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगी तो इन्हें कोई भी काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्क आशा वर्कर करती है अपने फील्ड एरिया में। फील्ड एरिया का कोई ये हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से ही रखी थी, अभी गवर्नमेंट से नहीं रखी है, तो आज हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि जो अपने हमें मोबाइल दिए हुए हैं वो नहीं चल रहे, उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। अब हमने हमारे जो अपने फोन है उससे हमने बच्चों की क्लासेस लगाए या ये सर्वे का काम करे, और 120 रुपए ये हमें रिचार्ज के लिए देते हैं, तो सर आप बताओ 120 रुपए में कौन सा रिचार्ज होता है? तारीफ करने से क्या होगा? तारीफ करने से कौन सा हमारा पेट भर जाएगा, कौन से हमारे घर में चूल्हा जलेगा? तारीफ करने से हम अपना परिवार नहीं चला सकते सर। हम चाहते हैं कि अगर ये काम
करवा रहे हैं तो काम के हिसाब से हमें पैसा भी दे। जो आपने मांग अगला कदम हमारा ये रहने वाला है कि पूरे हिमाचल प्रदेश की आशा भूख हड़ताल पे बैठ जाएगी, हम काम नहीं करेंगे। जब तक सरकार हमारी डिमांड पूरी नहीं करती हम तब तक उठने वाले नहीं है। मर जाएंगे कोई बात नहीं, हम मरने को भी अब तैयार है, क्योंकि घर से गालियां सुन सुन के हम काम को निकलते हैं, फिर भी हमारी किसी को परवाह नहीं है। बस यही बोलते हैं आशा अच्छा काम कर रही है। तो सर अच्छा काम करने से क्या होगा? अच्छा काम तो कर रहे, ईमानदारी के साथ काम भी कर रहे, पर काम के बदले हमें वो दाम नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब।